फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए गुड लुक्स बहुत मायने रखते हैं। फिल्मी सितारे अपनी खूबसूरती और फिटनेस के लिए हर महीने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन कई बार यही खूबसूरती और गुड लुक सितारों के लिए अभिशाप भी बन जाते हैं। इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं जिन्हें अपने गुड लुक्स के कारण रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। एक्ट्रेस सेलेना जेटली ने हाल ही में ये बताया कि फैशन इंडस्ट्री में उन्हें लगातार ये कहकर क्रिटिसाइज किया गया कि आप बहुत गोरी हैं, पतली हैं और लंबी हैं। सेलेना ने ये भी बताया कि उन्होंने सालों तक अपने आप को लेकर ये बातें सुनी और कई बार रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा था। एक्टिंग करियर में अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए एक्ट्रेस कृति सनन ने एक बार बताया था कि कुछ लोगों ने उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि आप बहुत गुड लुकिंग हैं। लिस्ट में एक्ट्रेस दिया मिर्जा का नाम भी शामिल है। दिया ने इंटरव्यू में बताया था कि उनकी खूबसूरती उनके प्रोफेशन के लिए कई बार नुकसानदेह साबित रही। उन्होंने अपनी नौकरी खो दी थी और उन्हें किसी भी रोल में नहीं लिया जा रहा था क्योंकि वो बहुत अच्छी दिखती थी। एक्टर करण टैकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें कभी भी खुद में कुछ ठीक करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन उनके करियर में जो हमेशा रोड़ा बना वो था उनका गुड लुक। एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट का ऑफर मिला था, लेकिन बाद में उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उनका रंग सांवला नहीं है, तो इसलिए उन्हें एक भारतीय के तौर पर कास्ट नहीं किया जाएगा। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।